नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्रीराधे स्टडीज में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज में 17 दिसंबर 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इवेंट्स की थ्योरी और बैकग्राउंड क्लियर कराता हूं, जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। वो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो सभी आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ मैं, और आपको साथ ही में जो भी मैं इवेंट पढ़ाता हूँ उनके आपको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जिन पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको उन्हें हल करना होता है होमवर्क के तौर पर। और साथ ही में वो आपको वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। जो भी वीक भर में मैंने आपको इवेंट्स प्रोवाइड किए होंगे उनका मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका रिवीजन भी हो सके। तो वीडियो निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे एंड तक की देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह सभी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपको बताते चलो कि वीकली और मंथली बेसिस पर भी इवेंट हमारे आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, आप वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अभी अपने वीडियो के मेन पॉइंट में चलते हैं। मेन पॉइंट में चलने से पहले आज का टुडे बूस्टर पॉइंट देख लेते हैं। हमारा टुडे आज बूस्टर पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पे समझिएगा क्या लिखा है मैंने, कि जो गुजर गया उसे याद मत करो, जो गुजर गया उसे याद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा, कल के चक्कर में तुम आज बर्बाद मत करो। ठीक है, तो कल क्या होना है क्या नहीं होना है, कल कोई अचीवमेंट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो बात की बातें हैं। आज आपको परिश्रम करना है, आज आपको बढ़ना है, तो आज आप पढ़िए, कल के फल के चक्कर में आप आज परेशान मत होइए। कल मिलेगा फल या नहीं मिलेगा, कल क्या होने वाला है आप उसमें परेशान मत होइएगा। चलिएगा, तो आज का ये बूस्टर पॉइंट है, आप इसे समझ सकते हैं। बूस्टर पॉइंट मैं इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि पढ़ाई की स्टडी करते समय काफ़ी बार हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती, तो उसके लिए मैं आपके लिए बूस्टर पॉइंट लेके आता हूँ, ताकि किन्हीं मेरी पंक्तियों के कारण शायद आप में एक उत्साह फिर से आ सके और आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से एक सुचारू रूप से जागृत कर सके। ठीक है, तो चलिएगा आज के इवेंट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला इवेंट हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे भारत में 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। ठीक है, अच्छा ये विजय दिवस क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, जिस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 में भारत की सेना पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को धूल चटा देती है, जिसके विजय इस विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, भारत में विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी ये जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 में की होती है। ठीक है, आपने सुना होगा हाल ही में कि 6 दिसंबर 2021 को, या मैंने इवेंट भी आपको बताया कि 6 दिसंबर 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस मनाया जाता है, तो उसका भी जो रिलेशन है वो इसी से है। आपको पता होगा कि 1971 से पहले पाकिस्तान एक इधर था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते थे। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान थे हमारे भारत के इधर उधर। ठीक है, जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का एक गुलाम आप समझ सकते हैं वो था। तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य में जब युद्ध हो रहा था, तभी 6 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो उसे आज़ाद कराया था, और साथ ही में बांग्लादेश के साथ एक अच्छे संबंध बनाए थे और दोस्ती का मित्रता का हाथ बढ़ाया था, जिसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश और भारत में मैत्री दिवस आयोजन किया गया 6 दिसंबर 2021 में किया गया था। ठीक है, और 6 दिसंबर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद कराया। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थ्योरी आपको बता दी क्या क्या चीज़ें हैं, और नोट्स बनाने के लिए आप इससे भी देख सकते हैं, पॉइंट वाइज मैंने कैटेगराइज आपको करके रखा हुआ है। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय दिवस क्या होता है, भारतीय सेना का पाकिस्तानी सेना पर विजय प्राप्त करना विजय दिवस मनाया जाता है इसके लिए। ठीक है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1971 के युद्ध के पर विजय भारतीय सेना ने प्राप्त की थी पाकिस्तानियों पर, इसलिए मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत की में यह दिवस पाकिस्तानी सेना पर विजय पाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए संघर्ष में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। ठीक है, और अगला भी देख सकते हैं पॉइंट क्या है यहाँ पे। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए यह जो युद्ध था, इसका आरंभ कब हुआ था, 3 दिसंबर 1971 में हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया, भी चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस युद्ध के दौरान
भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे भी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था। और साथ ही हम देख सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की इस सहायता और बांग्लादेश के साथ दोस्ती के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 6 दिसंबर 2021 को भारत और बांग्लादेश में मैत्री दिवस मनाया गया है। तो आशा करूंगा कि ये आपको इवेंट समझ में आया होगा, क्या इसका बैकग्राउंड है, किस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें समझाता हुआ चलूँ ताकि आपके दिमाग से कोई भी इवेंट फिर निकले नहीं। ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं आपको भी एमसीक्यू फॉर्मेट में इवेंट लेके आ जाऊँ आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन चीजें क्या है वो आपके लिए ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगी। ठीक, तो आप इन चीजों को समझिए और चीजों को समझते हुए चलिए। कोई भी परेशानी होती तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इवेंट देख सकते हैं, नेक्स्ट इवेंट क्या है, जनरल एम एम को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये क्या है, सब चीजें आपको बताऊंगा, पहले इससे पहले आपको कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं। आज 8 दिसंबर 2021 को आपने एक न्यूज सुनी होगी कि तमिलनाडु की कुन्नूर पहाड़ियों में क्या हुआ है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें CDS बिपिन रावत जो थे हमारे तीनों सेना के प्रमुख अध्यक्ष, उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार समेत और भी जो थे उसमें हेलीकॉप्टर में, उन सभी की मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर में उस समय 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोगों की तत्कालीन मौत हो गई थी और एक जो थे वो थे हमारे जो कमांडर थे, हेलीकॉप्टर के कमांडर, वो बचे हुए थे, जिनकी मृत्यु 15 दिसंबर 2021 को अभी हाल ही में हो चुकी है। तो आपको इसे भी याद रखना है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि CDS का जो पद था, ठीक है, जो तीनों सेना के प्रमुख का जो पद था वो अभी खाली हो गया था। तो इस पद को पुनः से भरने के लिए, इस पद की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है, जिसमें COSC है। कमेटी तो पहले से ही थी हालांकि, ठीक, तो COSC के माध्यम से उस पद के लिए चयन किया जाएगा। तो उस पद के लिए जो नए जिम्मेदारी आ रहे हैं तो उनका नाम क्या है, MM नरवणे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए भारत के COSC अभी वर्तमान में कौन चुने गए हैं, तो MM नरवणे चुने गए हैं। या फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में किसे CDS के पद की नियुक्ति के लिए देखा जा रहा है, संभावित माना जा रहा है, तो MM नरवणे को माना जा रहा है। बाकी इवेंट के आप पॉइंट को यहाँ पर समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर पहाड़ियों के इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS बिपिन रावत के निधन हो गया था, जिसके बाद से यह पद अभी खाली चल रहा था। ठीक, अगला देख सकते हैं यहाँ पे, CDS के पद पर पुनः भरने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, जिसमें चेयरमैन थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे को चुना गया। तो ये थल सेना के प्रमुख हैं जिन्हें चुना गया है। बिपिन रावत देश के सबसे पहले CDS पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं MM नरवणे ये हैं, और इनसे आप यहाँ पर समझ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने CDS पद के बारे में बताया कि CDS पद क्या होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकलती है CDS की, ठीक है, तो वो आप मत समझिएगा, वो दूसरी वैकेंसी है और ये CDS पद जो होता है वो अलग होता है। 2015 में इस पद का गठन किया गया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CDS ये जो होता है, CDS जो होता है वह एक 4 स्टार सैन्य अधिकारी होता है। ठीक है, जिसे क्या किया था, भारतीय सेनाओं के अधिकारियों के द्वारा ही चुना जाता है। CDS सशक्ति जो होता है, CDS शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC का चेयरमैन होता है और उनका भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, अगले इवेंट के यहाँ पे तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट आप समझ सकते हैं कि यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को दिया संस्कृति विरासत का दर्जा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। तो आपको बताना होगा कि कोलकाता उसको दिया गया, कोलकाता नगर है हालांकि। ठीक है, राज्य आपको बताना है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे यूएनएससी ने क्या किया है, यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र, इसका फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे मैंने वो बताया हुआ है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं संस्कृति संगठन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और बाकी आप यहाँ पर चीज़ें समझ सकते हैं कि यह एक विशेष प्रकार की एजेंसी होती है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व भर में बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, चीज़ों को
ऑब्जर्व करती है और उन्हें प्रमोट करने का प्रयास करती है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं शांति स्थापित करने के प्रयास करती है। यूनेस्को जो है यह एक संयुक्त सतत विकास समूह UNSDG, आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कभी इस पे भी डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। हालांकि अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि ये एक यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का एक सदस्य है, ठीक है। तो हाल ही में क्या किया है, यूनेस्को ने कोलकाता की जो दुर्गा पूजा थी उसे विश्व विरासत के उसमें शामिल किया हुआ है। तो आपने सुना भी होगा कि मार्च में एक इवेंट आया था कि यूनेस्को ने क्या किया है कि हड़प्पा सभ्यता के गुजरात में जो धौलावीर है उसको हड़प्पा सभ्यता में वो कर लिया है, विश्व विरासत में शामिल करे। तो यूनेस्को का यही काम होता है, जो भी हमारे प्राचीन चीजें आ रही हैं उनको एक अच्छे मतलब कि उसमें रखना, ताकि वो प्राचीन चीजें जो है वो विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। उसे एक आप समझ सकते हैं कि मॉडिफिकेशन उसको प्रोवाइड करते रहना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनेस्को ने इस आधिकारिक सूचना को लागू किया, तो जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस निर्णय से सहमति होते हुए उस पर भी कुछ अपना ट्वीट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना ट्विटर किया हुआ है, यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में जो यूनेस्को ने ये आधिकारिक सूचना व्यक्त करी है, तो इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वर्तमान में, उन्होंने भी कुछ बोला है। तो उन्होंने बोला है कि माँ दुर्गा की पूजा जो है वो सिर्फ पूजा ही नहीं है, बाकी एक ये सम्मेलन भी है जो विश्व भर में फैले बंगालियों को एकजुट होने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने भी, ममता बनर्जी ने भी अपने ट्विटर के कैंपेन के थ्रू में यहाँ पे बोला हुआ है, तो आप यहाँ पे भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था इवेंट कि यूनेस्को ने क्या किया है कि कोलकाता नगर की जो है वहाँ की दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल में तो हालांकि दुर्गा पूजा का ज्यादा प्रचलन है, तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को विश्व विरासत में शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवेंट है और आप चीजों को समझ सकते हैं। अगला इवेंट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 66वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स होता है जिसमें ये पता किया जाता है कि किस देश की जनसंख्या कितनी सुरक्षित है, ठीक है। तो इस इंडेक्स में 195 देशों को शामिल किया गया था, 195 देशों की अपनी अपनी रैंकिंग के अनुसार उन्हें देखा गया है। तो 195 देशों में भारत का 66वां रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो और इसके जो भारत के नंबर हैं वो कितने हैं, 42.8 इसके नंबर प्राप्त हुई हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में, ठीक है। 42.8 नंबर इसको प्राप्त हुए हैं। टॉप कंट्रीज कौन कौन से रही, तो यहाँ पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और कनाडा और थाईलैंड यहाँ पे टॉप कंट्रीज रही हैं, ठीक है। अभी अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है कि हांगकांग ने अपनाई कोविड पॉलिसी, ठीक है। ये जीरो कोविड पॉलिसी क्या होती है और क्या है, चीज़ों को समझेंगे। लेकिन हांगकांग आपको बता दूं पहले मैप में कि ये कहाँ पे, तो ये चीन का ही एक शहर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हांगकांग जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जापान हो गया ये आपका, और यहाँ पे ये चीन चाइना जो है यहाँ पे, और ये हांगकांग जो है यहाँ पे ये बसा हुआ है, ठीक है। तो हांगकांग ने क्या किया है, हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत क्या है कि जीरो कोविड पॉलिसी के तहत अमेरिका से जो यात्री आते हैं हांगकांग में, तो उनके लिए जो है उच्चतम स्तर में क्वारंटीन उपाय जो हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में जो अमेरिका से यात्री आ रहे हैं हांगकांग में उनके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे पूरी तरीके से टीकाकरण से युक्त हैं या नहीं है, टीकाकरण उन्होंने करवाया है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में कुछ जानकारियां उसने व्यक्त की हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हाल ही में ओमिक्रॉन के कारण काफी दबदबा बना हुआ है, काफी राज्य जो है या फिर काफी आप देख सकते हैं देश जो है वो अभी असमंजस में चले, क्योंकि ओमिक्रॉन के बारे में कोई ज्यादा हमें विशेष जानकारियां प्राप्त नहीं हुई अभी तक की। बाकी आप अभी इवेंट के बारे में देख सकते हैं कि इवेंट क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट इवेंट एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो स्वर्ण पदक जीते गए हैं और उनमें से 4 जो हैं वो रजत पदक जीते गए हैं। यह चैंपियनशिप जो है वो थाईलैंड में आयोजित की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चित्र भी मैंने लगाया हुआ है, जिससे आप चीजों को समझ सकते हैं। वहां के जो भी खिलाड़ी गए थे हमारे भारत की तरफ से उनका ये चित्र है, ठीक है। अभी अगले इवेंट के यहाँ पे तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या है, वाटर शेड हाउ टू डिस्ट्रॉय
हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? मृदुल रमेश ने लिखी है। ये एक नई पुस्तक लिखी गई है जिसमें बताया गया कि हम किस तरीके से भारत के जो वाटर है उसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं और कैसे हम उसे बचा सकते हैं, मतलब कि कारण और समाधान दोनों पे इन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। और जो ये मृदु रमेश हैं वो पानी अपशिष्ट समाधान पर काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, मैंने इनकी फ़ोटो भी लगाई हुई है, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। और ये जो है बुक का टाइटल भी मैंने लगाया हुआ है, हालांकि मैं बुक तो पढ़ा नहीं सकता लेकिन हाँ मैंने टाइटल लगाया हुआ है। कभी भी अगर आपको दिख जाती तो आप याद करिएगा कि हाँ ये एक बुक है, ये किसने लिखी है, कि मृदु रमेश ने लिखी हुई है, मृदुला रमेश ने इस पुस्तक का लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अगला इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट क्या कहता है, यहाँ पे चीजों को समझिएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जाति के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की हुई है, ठीक है। ये उच्च जाति आयोग क्या है कि यहाँ पे जो सामान्य वर्ग के लोग थे तो उनके लिए, जैसे आपने सुना होगा कि ओबीसी आयोग होता है, SC ST आयोग अपने अलग होते हैं, तो सामान्य वर्ग के लिए भी एक नए आयोग के गठन किया जा रहा है। वो किसने किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये किया हुआ है, ठीक है। इस आयोग का नाम जो है सामान्य श्रेणी आयोग या फिर सामान्य वर्ग आयोग रखा जाएगा। इस जो वर्ग को बनाया जा रहा है, सामान्य वर्ग आयोग जो है, यह 3 महीने के समय में एक विधायी अधिनियम के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा इसको, ठीक है। और बाकी हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने यहाँ पे चीजों को बताया हो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और एक साथ ही में गढ़सौन, यहाँ पे धर्मशाला भी है, और ये धर्मशाला जो है शीतकालीन राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल आप देख सकते हैं कि राजेंद्र विश्वनाथ यहाँ के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर हैं, जो कि भाजपा से हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इतने इवेंट्स थे, ये हमारे आज के इवेंट्स थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकते थे 17 दिसंबर 2021 के माध्यम से, वो मैंने आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। अच्छा, जो PDF है, जो भी मैंने पैनल पढ़ा है उसकी PDF और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में हैं, ये कहाँ से आपको डाउनलोड करनी, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में क्लिक करिएगा। लिंक में क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर से आप जब इस आर्टिकल को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि 17 दिसंबर 2021 का जो भी मैंने इवेंट पढ़ाया, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्म में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ से वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। वेबसाइट पर भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अवेलेबल कराया हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे कि भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता, तो ये सब आपका होमवर्क है, आपको इसे अपने मन से करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इवेंट्स वगैरह आपको अवेलेबल कराए हुए हैं, चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आशा करूंगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी सजेशन होता है हमारे लिए कि ये सर आप कर सकते हैं या फिर ये अपग्रेड आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चित तौर पर बताइए। व्हाट्सएप नंबर और सभी जितने भी आप जिन माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, वो सभी चीज़ें आपको मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के एक बार देखिएगा। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।